मुआशरे में बढ़ती हुई मायूसी और अदम बर्दाश्त के बाइस खुदकुशी के वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता दो दहाइयों के दौरान सियासी और इक़्तिसादी बहरानों ने नौजवान नस्ल को नाउम्मीद कर दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज भट्टी के मुताबिक आला तालीम और मुलाजमत के मौके कम होने के बाइस इम्तिहानात में नाकाम होने वाले तलबा मुआशी और मुआशरती चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते और खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। जो हमारे बच्चे जो इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं, ऊपर से ये हमारे वालदैन की तरफ से भी उन्हें क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं मिलता और टीचर्स की तरफ से भी वो गाइडेंस नहीं है। मादा परस्ती और नफसा नफसी के इस दौर में वालदैन के पास अपनी औलाद की परवरिश के लिए वक्त निकालना मुश्किल है। ऐसे नौजवान घर से बाहर देखना शुरू कर देते हैं। जात बिरादरी और सोशल स्टेटस के बाइस उम्मीद टूटने पर ये नौजवान न सिर्फ दूसरों की जान ले लेते हैं बल्कि अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लेते हैं। जात बिरादरी के चक्कर में फंसे हुए लोग हैं, ये नहीं देखते कि ये सोचें कि इंसान क्या है, एक बंदे की उसकी अपनी काबिलियत क्या है, शख्सियत क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नुसरत हबीब राना का कहना है कि तालीमी इदारों में तलबा की तरबियत की अशद जरूरत है। वालदैन और साजा को नौजवानों की रहनुमाई करनी चाहिए। नौजवान जब एक स्टेज पे आता है तो उसको कोई आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, उसको समझ में नहीं आती मैं कौन हूँ, मैंने क्या करना है। उस वक्त उसको सपोर्ट चाहिए होती है, पेरेंट्स से ना मिले तो स्कूल से चाहिए होती है, स्कूल से ना मिले तो सोसाइटी से चाहिए होती है, फ्रेंड से चाहिए होती है। मसाइब और मुश्किलात के इस दौर में अगर इंसान अपना दुख दर्द अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ बांट ले तो न सिर्फ उन मसाइल का हल निकाला जा सकता है बल्कि ऐसे खौफनाक हादसात से भी बचा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ शहाबुद्दीन डोगर, सिटी 42।